हेलो फ्रेंड्स, आज हम मसालेदार भरमा शिमला मिर्च बनाने वाले हैं, स्टफ्ड कैप्सिकम बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए इसकी रेसिपी हम देख लेते हैं किस तरीके से बनाना है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। भरमा शिमला मिर्च बनाने के लिए मैंने दो प्याज, एक हरी मिर्ची और थोड़ी सी लहसुन ले ली है। इनका बारीक पेस्ट बना लूँगी ताकि जो मसाला जो है बहुत अच्छे से, मतलब मसाला हमारा ज़्यादा बन जाए और अच्छे से स्टफिंग हो जाए। यहाँ पे मैंने आधा किलो कैप्सिकम ली है, पांच शिमला मिर्च हैं जो इनको बीच से, इनका मतलब जो डंठल था वो निकाल लिया और उसको इस तरीके से हमने थोड़ा सा ओपन सा कर लिया है, मतलब जैसे खाली सा कर लिया ताकि इसके अंदर मसाले जो है बहुत अच्छे से फिल हो जाए। हमको कम से कम 2 से 3 चम्मच भर के मसाला इसके अंदर भरना है, तभी ये मतलब शिमला मिर्च जाके बहुत अच्छा टेस्ट में लगेगी, क्योंकि ये जो बड़ी वाली शिमला मिर्च है ना, ये थोड़ी सी मीठी होती है और अदरवाइज जो देसी वाली होती है, जो छोटी छोटी शिमला मिर्च होती है, वो तीखी सी होती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है, यहाँ पे हींग डालूंगी और जीरा डालूंगी। जब ये चटक जाएंगे तब हमने जो प्याज और अदरक का जो पेस्ट बनाया था, प्याज लहसुन का, उसको डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो इसको कब तक सेकना है, जब तक कि इसका कलर गोल्डन ना हो जाए। जब तक इसका गोल्डन कलर हो रहा है, हम क्या करेंगे कि टमाटर को भी हम पीस के रख लेंगे। तो हमको क्या करना है, मतलब हमको पहले से ये सब चीज़ें करके नहीं रखना है। जो वर्किंग मोम्स है, अगर उनके पास टाइम नहीं है तो ईजिली आप कैसे कर सकते हो, जैसे आपने प्याज का पेस्ट बना लिया, जब तक प्याज सिकेगी हम टमाटर का पेस्ट बना लेंगे, फिर इसके बाद शिमला मिर्च को कर लेंगे और जब तक मसाला सिकेगा, जब तक हम आटा लगा के रख लेंगे, तो इस तरीके से, और जब तक सब्जी बनेगी, जब तक हम रोटी बना लेंगे। तो मतलब टाइम नहीं लगता है, सब्जी के टाइम में ही आप रोटी भी बना के रख सकते हो, इस तरीके से ईजिली मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने टमाटर पीस लिया, जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो गया, गोल्डन हो गया, मैंने टमाटर डाल दिए हैं। अब मैं यहाँ पे मसाले डाल रही हूँ, बेसिक्स मसाले हैं, हल्दी है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, गरम मसाला है। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, आपको जितना कम ज़्यादा जितना चाहिए उतना आप डाल सकते हैं। अब इनको हम मतलब अच्छे से फ्राई करेंगे, या मसाला बहुत अच्छे से सिकने देंगे। मीडियम फ्लेम पे आप मसाले को सिकने दीजिए, मसाला सिकने में 2-3 मिनट लग जाएगा और जब ये मसाला कढ़ाई छोड़ने लगेगा, इट मीन्स कि मसाला बहुत अच्छे से सिक गया है। फिर हम इस मसाले की स्टफिंग कर देंगे कैप्सिकम में। अब यहाँ पे मेन क्या है, नमक है, नमक डालना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम वैसे ऊपर से नमक नहीं डालने वाले हैं, सिर्फ स्टफिंग के अंदर ही, मतलब मसाले के अंदर ही नमक डालेंगे। तो मिर्ची के अंदर जो ये मसाला भरने वाले हैं ना, इसी में नमक रहेगा, इसलिए आप थोड़ा सा तीखा रख सकते हैं, मतलब ज़्यादा नमक रख सकते हो मसाले में, चलेगा। तो यहाँ पे मसाला प्रॉपर नहीं सिका है, तो मैं एक बार और इसको ढक के रख दूंगी 1 मिनट के लिए, फिर इसको ओपन करके देखूंगी। अब यहाँ पे मसाला ऑलमोस्ट सिक ही गया है, जब मसाला सिक जाएगा तब मैं इसको एक कढ़ाई में ही, आप चाहो तो इसको प्लेट में अलग से निकाल सकते हो, लेकिन क्या कि वो एक्स्ट्रा बर्तन को ख़राब करना, इसलिए मैं क्या करूँगी, कढ़ाई में ही इसको एक जगह कर लूँ, फिर इस मसाले की स्टफिंग कर दूँगी, सिका मैं शिमला मिर्च के अंदर भर दूँगी। अब मसाला देखिए मैंने इस तरीके से रख लिया है, अब इसको भर दूंगी मैं शिमला मिर्च के अंदर। तो जितना हो सके उतना भर दीजिए, जैसे मेरे पास सिर्फ 5 शिमला मिर्च है, मसाला इतना ज़्यादा है, तो मैं 2 से 3 चम्मच सारी मिर्चियों में भर दूंगी, ताकि जो टेस्ट जो है बहुत अच्छा है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बड़ी वाली शिमला मिर्च है ना, इसका टेस्ट जो होता है थोड़ा सा मीठा होता है, कंपेयर टू जो देसी वाली जो शिमला मिर्च होती है ना, छोटी छोटी सी, वो तीखी होती है। तो इसलिए इसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या है, टमाटर डाले हैं, मतलब खटाई डालना बहुत ज़रूरी है। आप चाहो तो टमाटर डाल सकते हो, या आप चाहो तो आमचूर डाल सकते हो, या आप चाहो तो मसाले में नींबू निचोड़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन खटाई डालना बहुत ज़रूरी है ताकि ये जो शिमला मिर्च का मीठा सापन है वो निकल जाए और सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी मिर्चियों को फिल कर दिया है मसाले से, अब इनको मैं ढक दूंगी। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, सिर्फ लो फ्लेम पे ही सब्जी को फ्राई करना है, अदरवाइज आप हाई फ्लेम करेंगे तो शिमला मिर्च जल जाएगी। लो फ्लेम पे आप बीच बीच में इनको चलाते जाइए, शिमला मिर्च को पलटाते जाइए, 2-3 मिनट बाद देखते जाइए, सिकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब तक सब्जी हो रही है आप अपना आटा गूंथ लीजिए और जब तक एक साइड रोटी बना लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, एक साइड सब्जी बनेगी, एक साइड रोटी बन जाएंगी, हमारा दोनों काम आसान हो जाएगा, मतलब एक ही समय में दोनों चीज़ें बन के तैयार हो जाएंगी। तो देखिए बीच बीच में इस तरीके से मैं उस तरफ रोटी बनाते जा रही हूँ, बीच बीच में इस तरीके से इनको फ्लिप करते जा रही हूँ। तो जब ये अच्छे से पक जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 8-10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये शिमला मिर्च बहुत जल्दी गल जाती हैं। तो जैसे ही ये मसाला अच्छे से गल जाएगी तब हम इसको सर्व कर लेंगे गर्मा गर्म। तो देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी हो गई हैं।
तो देखिए यहाँ पे शिमला मिर्च पक गई है, ऑलमोस्ट हो गई है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से पक गई है। अगर मैं फिंगर इसमें लगा रही हूँ तो मसाला अच्छे से, मतलब वो दब रहा है और मसाला बाहर आ रहा है। तो ये जो शिमला मिर्च बन के तैयार होती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इनको जो टिक्कड़ बनते हैं ना, जो नान रोटीज़ बनती हैं उनके साथ खा सकते हो, नॉर्मल रोटी के साथ खा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देख लीजिएगा, आपको डेफिनेटली ये वाली रेसिपी पसंद आने वाली है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, घर पे ट्राई जरूर करिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करिए आपको ये रेसिपी कैसे लगी, और वर्किंग मॉम्स के लिए इजी रेसिपीज़ और बच्चों को घर पे कैसे पढ़ाना है ये वीडियो शेयर करती रहती हूँ, आप मेरे इस चैनल पे देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।